तो गाइस हमारे सिंगापुरी नूडल्स भाई तैयार हो चुके हैं पूरे। ये है इनकी गार्लिक चटनी, इसको साइड पे रख देते हैं पहले। तो गाइस आज हम आ चुके हैं प्रिंस चाइनीज फूड, जो कि मैकलो के बिल्कुल पास पड़ता है। और अगर आपने मैकलो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, भाई जाके देखो एक बार। और इनकुल पेट्रोल पंप के सामने पड़ता है, तो आइए भैया से बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या वो हमको बढ़िया बढ़िया खिला सकते हैं। सिंगापुरी नूडल भैया हमारे पास एक मतलब वेजिटेबल नूडल है, दूसरा सूप है मोन्चो स्वीट कॉर्न सूप, जो हमारे ये मतलब बहुत मतलब फेमस सूप है। हमारे जैसे सूप आपको मतलब कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं दे सकता शहर में। दूसरा हमारे पास है चिल्ली पनीर, मंचूरियन, राइस, ये चीज हमारे मतलब फेमस है। तो क्या क्या खिलाओगे भैया? आप बोलो मतलब क्या खाओगे? आपको मैं सिंगापुरी नूडल बना के खिलाता हूँ। भैया पहले ना सिंगापुरी नूडल्स बना दो और बस मतलब जो जो आइटम आपने बोले हैं सारी लगा दो टर्न बाय टर्न। तो गाइस ये बनने जा रहे हैं हमारे सिंगापुरी नूडल्स। ये कौन सी गार्लिक वाली चटनी है? ये गई शिमला मिर्च, क्या बात है। पत्ता गोभी और गाजर भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया फ्लेवर आने लग रहा है मेरे को तो लग रहा था। और ये क्या डाला है? अभी तेल डाला है। और ये गए नूडल्स। और ये अजीनोमोटो? नहीं, नमक मिक्स किया भैया। अच्छा नमक का बीच में अजीनोमोटो के मिक्स किया हुआ। तो आप कहाँ से आए हो भैया वैसे? हाँ वेस्ट बंगाल से। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? अच्छा 22 साल से आप यहाँ पे नूडल्स बना रहे हो। सिंगापुरी नूडल्स कब से बना रहे हो? 15-16 साल से बना रहे हो। साथ में साथ गार्लिक चटनी। गाइस ये है अपनी सिंगापुरी नूडल्स और साथ में कौन सी चटनी बोला भैया आपने? गार्लिक चटनी, क्या बात है। गाइस आइए इसको ट्राई करके देखते हैं अभी। तो गाइस हमारे सिंगापुरी नूडल्स भाई तैयार हो चुके हैं पूरे। ये है इनकी गार्लिक चटनी, इसको साइड पे रख देते हैं पहले। इसकी शक्ल देख लो भाई एक बार, बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रही है देखने में तो, और खुशबू भी काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। तो आइए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म है लेकिन टेस्ट एकदम बढ़िया। इनके पास नॉर्मल नूडल्स भी मिल जाते हैं लेकिन इनके सिंगापुरी नूडल्स बिल्कुल स्पेशल है, पूरे पठानकोट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नूडल्स तो गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आइए अभी नेक्स्ट आइटम ट्राई करके देखते हैं। तो भैया अभी नेक्स्ट आइटम कौन सी है? फ्राइड राइस बना रहा हूँ मैं, मंचूरियन राइस। तो एक बार हमारी ऑडियंस को प्राइस बता दो इसका। फुल प्लेट 90 रुपये का है, हाफ प्लेट 60 रुपये। अच्छा फुल प्लेट 90 का और हाफ प्लेट 60 का। और जो पहले आपने बनाया था सिंगापुरी नूडल्स वो कितने का थे? हाफ प्लेट 70 का और फुल प्लेट 100 का। फुल प्लेट 100 का है, क्या बात है। ये चावल इससे पहले भैया ने सब्जियां डाल दिया और अजीनोमोटो के साथ नमक भी डाल दिया अभी। और ये आपकी स्पेशल चटनी एक बार फिर से बता दो, या कोई इसका खास नाम है जो राइट वाली चटनी है? ये चटनी का नाम है सुजोन सॉस। सेजोन चटनी है ये? सुजोन सॉस। अच्छा ओके। स्टाइल देख लो भाई, भैया एक बार ऊपर तक और ऊपर तक भैया एक बार, क्या बात है। तो भैया ने राइस बना लिया, अभी बनेगा मंचूरियन। अच्छा भैया हमने सुना है कि आपको गब्बर बुलाते हैं यहाँ पे, गब्बर नाम कैसे पड़ा वैसे आपका? क्या बात है राइस। भैया हमारे मैजिशियन है भाई, शेफ नहीं है मैजिशियन है, क्योंकि इनके हाथों में ना जादू है कुछ। क्या बात है, ग्रीन वेजिटेबल्स पानी। अच्छा मतलब ऐसे मसाले सब में सेम ही रहते हैं? तो गाइस ये आ गए हमारे मंचूरियन और ये आ गए राइस, क्या बात है भाई, बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रहे हैं देखने में। तो गाइस आपने मंचूरियन अकेले तो बहुत जगह खाया होगा लेकिन यहाँ में राइस भी सर्व किया जाता है मंचूरियन के साथ साथ, और इसलिए इसको कहा जाता है राइस मंचूरियन। आइए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। और सबसे पहले हम मिक्स कर ले भाई। ये गए भाई मंचूरियन। तो भाई आइए इसको पहले मिक्स कर लेते हैं भाई, खुशबू बहुत ही ज्यादा बढ़िया आ रही है। और सबसे पहले आपको बता दें भैया ने वेजिटेबल इतनी अच्छी तरह से मिक्स करी है बीच में, और ये देख लो भाई मिक्स हमारा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू आ रही है भाई, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और जो सबसे खास बात है कि आप इतने कम पैसे में अपना पेट भी भर सकते हो और साथ में भाई टेस्ट भी इतना ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। मंचूरियन मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे कहीं भी ऐसा मिलेगा। आइए अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। ये डाला हमने गार्लिक पेस्ट, क्या बात है गाइस। और ये आँख का तड़का लग चुका है, इतना बढ़िया लग रहा है देखने में। अच्छा ये गार्लिक पेस्ट डाला है और बनने क्या जा रहा है अभी? ये बनने जा रहा है चिल्ली पनीर, क्या बात है। ये डाल दिया प्याज, ये आ गया आपका शिमला मिर्ची, ये शिमला मिर्च, ये आ गया पानी, सोया सॉस। और गाइस दो चीजें हमने ट्राई करी है और भैया के ना हाथों में जादू लगता है भाई कुछ।
बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाते हैं। और ये क्या चीज चिली? अच्छा जी, पनीर के आउटसाइड पे कवरिंग किस चीज की है, मतलब किस चीज की अकॉर्डिंग की है आपने? अच्छा, मैदा और कॉर्नफ्लोर की। जोर से और ऊपर तक भैया। अच्छा अच्छा चलता। अच्छा अच्छा, जब मेरे को लगा कुछ सीक्रेट होगा जो नहीं बताना। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डाला आपने, क्या बात है। और इसका प्राइस क्या है, एक बार हमने ऑडियंस को बता दो आप। हाफ प्लेट 100 रुपीज और फुल प्लेट 180 का। और ये हाफ प्लेट है या फुल प्लेट है? ये हाफ प्लेट है। तो भाई जेहन का चिली पनीर भाई देखने में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और सब्जियों का भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से ब्लेंड करा भैया ने। और जो सबसे खास बात लगी कि आपको हाफ प्लेट में भी अच्छी तरह से क्वांटिटी मिल रही है, आपका पेट अच्छे से भर जाएगा भाई। हम भी 3-4 जने हैं इसलिए खाना खत्म हो रहा है, तो ये अब इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको ट्राई कहाँ से करें यही समझ नहीं आ रहा बस, क्योंकि पनीर का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि पूरा मुंह में आएगा नहीं, इसको हाफ ही करना पड़ेगा। क्या बात है। और 2-4 सब्जियों के पीस ले लेते साथ में। तो गाइस बहुत ही ज्यादा गर्म है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर खाते हैं। जा हवा मारो इसको मुंह से, हवा मारो भाई, हवा मारो, हवा मार ले। चलो इसको जैसे भी अभी ट्राई करते हैं, जलना मत भाई, बहुत ज्यादा गर्म है, अभी जलने ही वाला था ये। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसलिए मैंने स्पून मुंह में डाली, लेकिन बहुत गर्म है भाई। इसको ट्राई करके देखते हैं अभी, बहुत गर्म है भाई उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन यही गलती मैंने कर दी, वो आप मत करना कि गरम गरम मुंह में मत डालना, ठंडा होने दो फिर खाना। और जो सबसे खास बात लगी हर एक डिश में वो ये कि गाइस हाफ प्लेट में भी आपको काफी अच्छी क्वांटिटी मिल रही है। और जो गाइस सबसे खास बात लगी वो ये कि पनीर का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है, सब्जियां भी भैया ने काफी अच्छी तरीके से डाली है, किसी भी चीज में कंजूसी नहीं करी। और इस एक रेसिपी की बात नहीं कर रहा मैं, जितनी भी डिशेस हमने अभी तक टेस्ट करी है काफी अच्छी क्वांटिटी थी उसके अंदर, और साथ में वेजिटेबल्स की भी भाई कोई कंजूसी नहीं करी गई एज कम्पेयर टू प्राइस। तो आइए अभी हम नेक्स्ट आइटम ट्राई करते हैं, जो कि हमारी आज की लास्ट आइटम होगी, वो है यहाँ का मंचो सूप। ये मैं बना रहा हूँ आपका मंचो सूप, ये डाल दिया हमने पेस्ट है इसमें भी, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली। तो गाइस जितनी तेजी से भी ये सूप बना रहे हैं इतनी तेजी से तो घर पे भी नहीं बनता, जिसकी ऐड करण जोहर देते हैं। नोट सूप, उसके बाद हमने सब्जियों का तड़का लगा लिया। क्या होता, सब्जियों का तड़का लग चुका है। डाल दिया पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी, ये डाल दिया पनीर, ये क्या पनीर, तो बता दिया आपका ये पानी सिंपल। अच्छा क्या बात है। और मंचो सूप में कोई स्पेशल मतलब मसाला डालता है? अजीनोमोटो के साथ नमक, ये डाल दिया आपका सोया सॉस हल्का, ये सोया सॉस, ये हमारे व्हाइट पेपर जिसको बोलते हैं, ये व्हाइट पेपर भाई को था, काली मिर्ची हाँ। हम यूज नहीं करते हैं, व्हाइट पेपर यूज करते हैं, सबसे बढ़िया मसाला में से नंबर वन। ओके, मतलब ये इसकी खासियत है सूप की? हाँ ये खासियत है, व्हाइट पेपर। गाइस नोट कर लो, घर पे बनाना हो तो व्हाइट पेपर ले आओ वहाँ से। अच्छा मंचो सूप जब उबाला आ जाए तो मतलब तैयार हो गया? हाँ तैयार हो गया। दूसरा हमने डाल देना इसमें अभी ये कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाली आपने? कॉर्नफ्लोर डाल दिया, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा आपको। और इसकी एक बार हम हमारी ऑडियंस को प्राइस बता दो कि क्या प्राइस रहता है इसका? इसका 40 रुपीज है। 40 रुपीज। और इसकी क्वांटिटी कितनी रहती है? अच्छा एक बॉल, और 40 रुपीज इसका प्राइस है, और एक बॉल जितनी इसकी क्वांटिटी है। तो गाइस मंचो सूप हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू आ रही है, भैया ने भर भर के वेजिटेबल्स डाला भाई, क्या बात है। ये ऊपर क्या डाला भैया, सेमिया? ये क्रिस्प नूडल बोलता है इसको, फ्राई नूडल बोला जाता है। ओके, ये है हमारे क्रिस्प नूडल्स। तो गाइस भैया ने ऊपर क्रिस्प नूडल्स डाले हैं, अभी अभी गिरने लगी थी भाई प्लेट, क्या बात है। इसको हम वैसे पंजाबी भाई सेमिया कहते हैं इसको, और ऊपर क्रिस्प नूडल्स डाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। और एक और बात इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि गाइस जो वेजिटेबल्स है एकदम फ्रेश, और एकदम जो हर एक चीज़ जो बन रही है बिल्कुल आपके सामने बन रही है। तो गाइस ये है हमारी आज की लास्ट आइटम, वो है सूप, आइए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। मंचो सूप दिया कहते हैं आपको पूरे पठानकोट में, यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, देखते हैं उनकी बात सच्चाई या झूठ है। खुशबू तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है जी, आइए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। वाह भाई बहुत टेस्टी है, जिस हिसाब से आपने भैया ने सूप बनाया था इतनी जल्दी, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा टेस्टी सूप होगा,
लेकिन मेरी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस कि आप भैया ने प्रेजेंट करा है इतना ज़्यादा टेस्टी फूड। और अगर आप ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में भी देखना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। तो भाई ये शॉप के ओनर है और भैया कितने टाइम से आप ये शॉप चला रहे हो? 1993 की आपकी शॉप है और तब से आप ही बैठते हैं? भैया बैठते हैं। अच्छा, आपके बड़े भैया बैठते हैं। तो गाइस फाइनली भैया अभी अभी फ्री हुए जस्ट, अभी अभी इनको थोड़ा सा टाइम मिला है हमारे साथ बात करने का। जब से हम बैठे थे तब शाम भी थोड़ी रात हो चुकी है और इतने ज्यादा कस्टमर्स आ रहे थे, इतने ज्यादा ऑर्डर मिल रहे थे इनको। अच्छा भैया एक बार ना अपना नाम बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। नाम है भैया मेरा पूरा मोहम्मद मोमिजुद्दीन। अच्छा मोहम्मद मोमिजुद्दीन, यहाँ पे मेरा डार्क नाम है जैसे मतलब गब्बर बोलते लोग। अच्छा यहाँ पे गब्बर बोलते हैं, क्या बात है, डार्क नेम है वो गब्बर। तो गाइस ये थे हमारे आज के म्यूजिशियन, बहुत बहुत थैंक यू भैया आपको और फिर से मिलेंगे आपके नई वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, उससे पहले गाइस जितनी भी आइटम हमने आज खाई गाइस उसके लिए हर एक आइटम को मेरी तरफ से 10 में से 10 नंबर, क्योंकि भैया ने इतने कम टाइम में और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके बियॉन्ड जाके काम किया। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट था, आपको मैं जरूर रेफर करूँगा कि आप जरूर एक बार आइए यहाँ पे और हर एक चीज़ ट्राई करके देखिए। और फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।